हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्यूली, जहां में मुझे घर आए हुए टोटल आज हो जाते हैं 15 डेज, और इतने जल्दी ये दिन गुजर जाएंगे मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो आज मैं वापस से जा रही जमशेदपुर, और जाते वक्त मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। तो यहां मैं आ जाती हूं अमान को लेकर के बस स्टैंड जाने के लिए। तो जैसे ही यहां हमें ऑटो मिलता है तो मैं ऑटो में बैठ जाती हूं, और अमान को मैं कब से हाय अमान बाय अमान बोलती हूं, पर अमान बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। शायद वो मुझसे नाराज था कि मैं उसे लेकर के नहीं जा रही हूँ। फिर मेरे जीजू ने उसे बोला कि देखो बेटा मासी जा रही है। तो बहुत देर के बाद उसने मुझे देखा, फिर देख करके मुंह फेर लिया। फिर मेरा ऑटो यहाँ से निकल जाता है बस स्टैंड की ओर, और बस स्टैंड जाने के लिए हमने पतली पतली गलियां को पकड़ा। और देखो यार, यहाँ कितनी ज्यादा धूप थी। धूप में तो जानते ही गाइस के कितना ज्यादा हालत खराब हो जाता है, गर्मी का, वो भी मई का महीना। अभी यहाँ फाइनली हमें बस मिल जाता है जो कि फुल एसी बस था, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, गर्मी नहीं लगी। और यहाँ मैंने देखा है क्यूट सी बच्ची को, जो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत बदमाशी कर रही थी, पर मुझे देख करके उसने कैमरे में बिल्कुल भी स्माइल नहीं किया। पता नहीं आजकल बच्चों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे। देन हम यहाँ उतर जाते हैं बस स्टैंड पर, और यहाँ से जाने लगते हैं अपने स्टेशन की ओर। पर उससे पहले हमने कुछ फ्रूट्स के स्टॉल देखे, और मैंने यहाँ से खाया वाटरमेलन। वाटरमेलन खाने के बाद फिर मैं, पापा और उमरा निकल जाते हैं स्टेशन की ओर, जो कि सामने ही था। फिर ये रहा हमारा बनारस स्टेशन। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ स्टेशन। और गई, सबसे ज्यादा बुरी बात ये हुई हमारे साथ कि मेरा और मेरी सिस्टर का टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। पापा का टिकट कंफर्म था जो कि AC 2 में था, और मेरा भी और मेरी सिस्टर के भी सेकंड AC में था, पर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया था। यहाँ हम आ जाते हैं वेटिंग हॉल में, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो 2 घंटे और लेट हो गई थी। तो फिर हमने देखा कि यहाँ सेकंड AC और फर्स्ट AC के लिए कुछ फैसिलिटीज दी जाती है, वेटिंग हॉल वगैरह, तो हमने उसका फायदा उठाया और यहाँ चले आए। अगर आप भी बनारस में रहते हैं या बनारस में उतरते हैं और आपका भी फर्स्ट या सेकंड AC है, तो आप यहाँ आकर के जरूर स्टे कर सकते हैं। यहाँ पापा और उमरा आराम से बैठे हुए थे, मतलब पापा तो लेटे थे और उमरा आराम से बैठ के मोबाइल चला रही थी, और मैं यहाँ बोर हो रही थी। देन उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ बाहर में भी एक एरिया ऐसा था, सिटिंग एरिया था, जहाँ पास लोग बैठे हुए थे। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने ट्रेन की ओर, मतलब जहाँ प्लेटफॉर्म था वहाँ पहुंच जाते हैं। और वहाँ पहुंचने के बाद गाइज, इतनी ज्यादा क्राउड थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी थी कि लोगों का हालत खराब हो रहा था। इसमें से कुछ लोग तो अपने सर को ही पीट रहे थे, आप देख सकते हैं इतने खाली होने के बावजूद। फिर मैं थोड़ी देर के बाद ये सब नजारा आपको दिखा रही हूँ यहाँ, कि देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है और लोग कितना स्ट्रगल करते हैं अगर ट्रेन थोड़ी सी भी लेट हो जाती है। तो फाइनली हमारा टिकट कन्फर्म हो जाता है, और मेरा जो टिकट था वो सेकेंड AC में था, बट उन्होंने मुझे सेकेंड नहीं बल्कि फर्स्ट AC में हमारा कन्फर्म कर दिया। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, मैं और उमरा। तो यहाँ आने के बाद मुझे मिल जाता है मेरा कैबिन, जिसमें 2 लोग का ही था बर्थ, मतलब मैं और मेरी सिस्टर ही रह सकते थे, और उसमें कोई भी नहीं आना जाना कर सकता था। तो गाइज, अगर आप फर्स्ट AC में कराते हैं तो अलग अलग कैबिन मिलता है, और किसी में 4 बर्थ होता है, किसी में 2 होता है। तो हमें दिया गया था बेडशीट, और फिर यहाँ मैंने देखा कि पापा बनाना खा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद पापा यहाँ से चले जाते क्योंकि उनका सेकेंड AC में था। तो मैं यहाँ रेडी कर लेती हूँ अपनी बेडशीट को अच्छे से, और फिर कपड़े वपड़े चेंज करके मैं यहाँ अपने लैपटॉप के लेकर बैठ जाती हूँ। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि अभी चलो, क्यों ना हम कोई मूवी देखे, हमारा रास्ता भी अच्छे से कट जाएगा और मूवी का आनंद भी हम ले लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, चलो भाग मिलकर भाग देते हैं, जिससे हम मोटिवेट भी हो जाएंगे और तुम काफी इंस्पायर होगे अपने करियर को लेके। तो रास्ते में हमने इस तरीके से एंजॉय किया। देन आ जाता है खाना देने के लिए। एक्चुअली हमारे साथ ना बहुत बुरा हुआ था गाइस, मैं घर से टिफिन लेकर के निकली थी पर वो रास्ते में ही गिर गया, तो हमें बाहर से ऑर्डर करना पड़ा। और जब इन्होंने हमें खाना दिया, तो जैसा ट्रेन में होता है ना कि बहुत अच्छा देखने में तो लगता है पर खाने में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पर ये जो 50 पैसे के अचार थे, उसने मेरा थोड़ा सा मूड सही किया। थोड़ी देर के लिए उमरा पापा के पास गई थी क्योंकि उसे कुछ काम था पापा से, और मैं यहाँ खड़े होकर के उसका इंतजार कर रही थी। जहाँ गाइस बहुत मुझे खतरा लग रहा था क्योंकि सब लोग लॉक थे, यहाँ आने जाने वाले कोई भी लोग नहीं दिख रहे थे, जैसे कि आपको सेकेंड AC और फर्स्ट AC में दिखता है। देन थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ चली जाती हूँ सोने के लिए, और मैंने लाइट को किया ऑफ और ऑफ करके सो गई। सुबह हो जाते हैं, और गाइज यहाँ का जो नजारा था बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार इतने अच्छे से सनराइज होते हुए देखा है, क्योंकि मैं अपने पूरे लाइफ में कभी इतनी मॉर्निंग नहीं उठी हूँ। देन फटाफट मैं यहाँ तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि पापा भी आने वाले थे, तो मैं ड्रेस व्रेस चेंज करके बाल वाल बना करके तैयार हो जाती, क्योंकि अब सुबह मुझे उतरना था टाटा नगर स्टेशन में। तो गाइज ओवरऑल हमने पूरे ट्रेन में बहुत ज्यादा मस्ती किया, बहुत इंजॉय किया। पापा
कभी बीच बीच में आते रहे, क्योंकि उन्हें भी बहुत फिक्र थी, दो लोग थे, अकेले थे, तो पेरेंट्स है, थोड़ी फिक्र तो हो गई। पर बीच बीच में पापा भी थोड़ा मस्ती कर रहे थे, बोल रहे थे रिकॉर्डिंग कर लो, बाहर का नज़ारा देखो बहुत अच्छा है। तो इस बीच हमने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया और फिर यहाँ बस कुछ ही देर पे स्टेशन आने ही वाला था, हमारी गाड़ी रुकने ही वाली थी, तो मैं बाहर निकल के यहाँ भी ब्लॉगिंग करने लगती हूँ और हम यहाँ आ जाते हैं उतरने के लिए। फाइनली ट्रेन रुक जाती है, ट्रेन पूरे 2 घंटे लेट थी और हम 2 घंटे लेट घर जा रहे थे। 8 बज चुके थे सुबह के और 8 बजे ही गाइस इतनी ज्यादा धूप थी कि जैसे लग रहा था कि दिन के 11 बजे की धूप है ये। मैंने ऑटो किया, ऑटो करने के बाद फिर हम तीनों निकल पड़े अपने घर के लिए और ये रहा हमारा घर, यहाँ से बस 2 मिनट के रास्ते पे है। तो फाइनली अब मैं घर पहुंच जाती हूँ। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।